टुडेज करंट अफेयर्स डिकोडेड सेशन, माय सेल्फ शिवाजी काले, विशेष यू गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 24 अगस्त की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में देखेंगे एंड दिस इज द समरी ऑफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज दैट शुड बी फॉलोड व्हेन द वैक्सीन इज स्टार्टेड बीइंग डेवलप्ड एंड से मैन्युफैक्चर्ड, तो कैसे उसकी डिप्लॉयमेंट की जाएगी उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है। फ्रॉम द हिंदूज आर्टिकल्स, दिस पर्टिकुलर आर्टिकल टॉकिंग अबाउट द फूड सिक्योरिटी एस्पेक्ट एंड पर्टिकुलरली फोकसिंग अपॉन द डेटा डेफिशिएंसी इन इंडिया रिलेटेड टू फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज विथ रिस्पेक्ट टू फूड सिक्योरिटी। दिस इज एन इंटरनेशनल रिलेशन इशू विथ नेपाल एंड द रिसेंट बॉर्डर टेंशन दैट हैज चेंज द डायनामिक्स बिटवीन इंडिया एंड नेपाल रिलेशनशिप, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। And another incidence that has happened in industry, so industrial disasters become the repeated topic of discussion, तो इस accordingly भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो let's see about this recent incidence that happened in the Salem power plant in Telangana. This is a hydroelectric power station जहाँ पर अंदर आग लग गई and resulted into death of some of the engineers. So in this unfortunate accident, what do we observe that some of the standard fire protection procedures or standard operating procedure that has to be followed was not seen to be followed. Yet the inquiry has been commissioned and it is yet to present its report. But some of the things, for example, like in case of fire, what do we see that another type of case where the people will lose life is because of smoke. So proper ventilation system is a very important area that need to be focused upon. Another aspect is about fire retardant material in the construction, because the fire will spread very rapidly if the construction is such that or the material that has used is catching fire. Another points that there should be dual exits to ensure either one of the exits is available for it. Vertical aspect routes need to be ensured because hydroelectric power station में कैसे होता है, इट इज़ ऑलवेज अ सब ग्राउंड स्टेशन, तो आपको ऊपर आने के लिए देयर शुड बी सच टाइप ऑफ स्टेयर के सिस्टम एंड अलार्म सिस्टम एट ऑल पार्ट्स ऑफ द सेफ्टी क्लास। तो अगर आप इसको देखोगे तो इन इंडस्ट्रियल डिजास्टर ये टॉपिक आपको पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। ये एक इवेंट हुआ है इंडस्ट्रियल डिजास्टर में, दिस इज़ अ रिपीटेड इवेंट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बोला। जैसे कि हम देखेंगे तो एलजी पॉलीमर के इशू में पॉइजनस गैस रिलीज का रिसेंट इशू हुआ है। जो आप देखोगे तो ऑयल रिग जो है एक या वेल है, इसमें आसाम में रिसेंटली बहुत बड़ा फायर लगा था। यह अभी रिसेंट इशू है जिसमें आप देखते हो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में हुआ है। एंड देर आर आल्सो जैसे कि कोल माइन में भी रिसेंटली एक जगह पे बहुत बड़ा फायर लगा था। सो दीज आर द इंडस्ट्रियल डिजास्टर दैट आर हैपनिंग इन रिसेंट पीरियड ऑफ टाइम। सो द पॉइंट इज दैट आवर फोकस शुड बी ऑन नॉट मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर, बट इट शुड बी ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। सो देर आर थ्री डिफरेंट टॉपिक्स हियर। डिजास्टर मैनेजमेंट विच विल बी जनरली सीन एज व्हेन द डिजास्टर विल हैज हैपन, व्हाट विल बी द स्टेप्स दैट यू विल टेक, पर्टिकुलरली द मिटिगेशन एफर्ट दैट यू विल टेक। मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर इज दैट यू विल प्रेडिक्ट द डिजास्टर एंड यू विल स्टार्ट अडॉप्टिंग यूर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट डिजास्टर। एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज अ वेरी क्लोज कंसेप्ट टू दिस, जिसमें आप प्रेडिक्ट करते हो एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग द स्टेप्स इन विच केस यू नो दैट समटाइम्स दिस मे हैपन, यू कैनॉट कंट्रोल इट ऑल द टाइम, बट वेन एवर इट विल हैपन द इफेक्ट ऑफ इट विल बी वेरी वेरी लेस एंड द लॉस टू द प्रॉपर्टी एंड लॉस टू द लाइफ शुड बी वेरी वेरी लेस। तो ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का जो कंसेप्ट है ये आपको सेंडाई फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन में देखा जाता है। तो आप थोड़ा सा मुझे बता दो ना, सेंडाई फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्या है, फॉर विच ईयर पीरियड दिस इज अप्लाइड, तो इज इट 2015 टू 2013 ऑन एनी अदर पीरियड दिस सेंडाई फ्रेमवर्क कन्वेंशन इज अप्लाइड फॉर। तो ये आप मुझे होमवर्क में देख के कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मूविंग अहेड विद द आर्टिकल रिलेटेड टू फूड इनसिक्योरिटी एज पर से, बट इफ यू गो इन टू डिटेल एक्चुअली दिस आर्टिकल इज अबाउट डेटा डेफिशिएंसी इन इंडियन पॉलिसी मेकिंग। कैसे, तो अगर आप देखोगे तो इंडिया हैज डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स फॉर इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी, जैसे कि पीडीएस स्कीम है, इवन दे हैव इंश्योर इट
थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट दैट यू हैव अ राइट टू फूड. लेकिन जब हम लोग देखते हैं तो वी सी देर इज़ अ ह्यूज माल नरिशमेंट और न्यूट्रिशन इन इंडिया. ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ केसेस ऑफ हंगर डेथ इवन इन द 21st century. सो वाई दिस इज हैपनिंग? डज इंडिया डू हैव सच टाइप ऑफ डेटा विथ अस कि क्या होता है एक्चुअली? तो यस, एक्चुअली नेशनल सैम्पल सर्वे जो है इट कैलकुलेट्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. एंड उससे अगर आप इनडायरेक्टली कैलकुलेट करोगे तो यू विल ऑल्सो गेट द फूड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है. अकॉर्डिंगली यू कैन कम टू द कंक्लूजन. बट देर आर सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विच आर मेकिंग द रिपोर्ट्स लाइक स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट. तो ये पर्टिकुलरली फोकस करते हैं ऑन द टू आस्पेक्ट, दैट प्रिवेलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट इन द रीजन एंड प्रिवेलेंस ऑफ द मॉडरेट एंड सीवियर फूड इनसिक्योरिटीज इन दैट पर्टिकुलर रीजन. तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ नॉट अलाउड देम टू पब्लिश द डेटा विथ रिस्पेक्ट टू इंडियाज थिंग, बट दे हैव कैलकुलेटेड द डेटा फॉर द साउथ ईस्ट रीजन एंड द साउथ ईस्ट रीजन विदाउट इंडिया. ऐसे करके उन्होंने कैलकुलेट किया है. सो वी कैन कम टू द कंक्लूजन, एंड द कंक्लूजन बाई दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट इज दैट इन इंडिया द मॉडरेट टू सीवियर फूड इनसिक्योरिटी हैज़ बीन ऑन द राइज सिंस लास्ट 5 years. And the rise is also very high, 3.8%. Compare the rate 3.8% with respect to the population of India. It's very, very high number. And that is why we need to focus upon different policy initiatives. Whatever we are taking the policy initiatives, जैसे कि हम लोगों ने recently देखो one nation, one ration card की क्या की है, scheme announce की है to ensure that those who are migrating from one part of the region to another part of the region will not lose their right to food. उसके साथ साथ भी अभी अगर विशेष अपने देखा तो recent आत्मनिर्भर package के अंदर उन्होंने एक अन्न योजना शुरू की है, जो कल्याण योजना शुरू की है specifically targeting to this particular pandemic lockdown period. तो whenever we are formulating such type of policy, our policy is dependent on what data, and that is the debate of issue here. And this is not the case only with respect to food issue. Even if you see, there are other issues like employment या unemployment का data आप इसमें लिखो, या health related data आप इसमें देखो. So these are different areas जिसकी data deficiencies के बारे में हमेशा इंडिया का criticism होता है. And recent case में इसीलिए आप लोगों ने देखा है कि national digital health mission शुरू किया गया है from the government side to ensure that the data related to health parameters of the individuals, every citizen of India will be stored in some device. So this is has to be done for other sectors also, but let's see how it will go in the future period of time. Moving to the Nepal related issue, foreign policy wala, usme hum logon ko dekhne ko milta hai ki recently the border dispute issues between India and Nepal has changed the dynamics between the their relationship. Traditionally we are sharing a very warm relationship with each other, with good trade, high level of people to people ties, cultural connectivity and other different type of things that we are seeing. But in recent period of time, because of the domestic national political pressure in the Nepal, the anti-India sentiment based nationalism in Nepal has reflected into signing the map by the unka jo parliament hai, that showcases the jo region hai Kali river ke baju wala region जिसको आप काला पानी बोलते हो, उस रीजन को उन्होंने क्या दिखाया, अपने कंट्री में दिखाया. सेम थिंग हैज़ बीन डन बाय इंडियन गवर्नमेंट आल्सो. तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक मैप निकाला और उसने भी उसको दिखाया. सो दैट हैज़ क्रिएटेड द इशू. बट दिस इशू इज़ नॉट न्यू एक्चुअली. अगर आप देखोगे तो इसका हिस्टोरिकल रिलेशन है, जिसमें आप ट्रीटी ऑफ संगुली की बात कर सकते हो. ये ट्रीटी ब्रिटिश एम्पायर एंड नेपाल किंगडम के बीच में साइन हुआ था, एंड इन 1816 में. सो अकॉर्डिंग टू दिस, काली रिवर इज द ज्योग्राफिकल बॉर्डर बिटवीन द टू किंगडम्स. बट द प्रॉब्लम इज दैट इफ यू कंसिडर दिस एज अ काली रिवर, इट हैज़ ओरिजिनेटेड थ्रू डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज. सो विच ट्रिब्यूटरी बी कंसिडर्ड एज द ओरिजिनल काली रिवर इज द इशू ऑफ डिस्प्यूट, एंड दिस क्रिएट्स दिस पर्टिकुलर एरिया एज अ एरिया अंडर कंटेंशन. बट ट्रेडिशनली वी हैव सीन दैट देर आर डिफरेंट इशूज बिटवीन द India and Nepal, as the different neighboring countries will always have, but they have solved this particular issue through diplomatic channel, and that is what is actually necessary.
And for that purpose only, there has been a constitution of India-Nepal Joint Project Monitoring Committee. ये सेटअप किया गया है एंड दे विल गो इन टू द गैमुट ऑफ बायोलेटरल रिलेशनशिप नॉट ओनली द बॉर्डर इशू बट अदर इशूज ऑल्सो बिकॉज इंडिया हैज़ अ से पॉलिसी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ से मेडिकल टूरिज्म अलाउड किया जाता है नेपाल से जॉब के लिए लोग आते हैं देन वी डू लॉट ऑफ ह्यूमिनिटेरियन एक्टिविटी इन नेपाल सो उस अलग अलग जैसे कि लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया जाता है तो ये सारी चीज़ों के बारे में नेपाल एंड इंडिया रिलेशनशिप के बारे में ये टास्क फोर्स काम करेगा. Now moving ahead to the last news of today's discussion. It is about vaccine delivery mechanism. Now आप थोड़ा सा यहाँ पे देखना there are different concept. Vaccine development, then vaccine manufacturing, then vaccine delivery. डिफरेंट इश्यूज आर देयर. देखो यहाँ पे क्या है डेवलपमेंट मतलब दे आर डेवलपिंग अ कंपाउंड ऑफ द वैक्सीन विच विल गो थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च एंड थिंग्स जिसमें क्लिनिकल ट्रायल्स भी किए जाएंगे. तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि देर आर डिफरेंट वैक्सीन अंडर डेवलपमेंट तो दे आर गोइंग थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रायल ट्रायल नंबर वन ट्रायल टू ट्रायल थ्री एंड आफ्टर द ट्रायल थ्री विल बी सक्सीडेड इट विल गो फॉर रेगुलेटरी पर्पजेस सर्टिफिकेशन के पास जाएगा डिफरेंट एजेंसीज लाइक अगर इंडिया में होगा तो ICMR करेगा WHO एट इंटरनेशनल लेवल करेगा एंड सर्टिफिकेशन करने के बाद ही यू कैन एक्चुअली डिप्लॉय टू पीपल. बट इन रिसेंट पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सीन दैट दिस पैंडमिक हैज क्रिएटेड सच अ फियर एंड बिकॉज ऑफ द हाई कंटीजेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीज वी नीड टू गिव इट टू एवरीबडी सो वी नीड टू हैव अबाउट 7 billion डोसेस या 700 crore प्लस डोसेस टू केटर टू होल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. बट इफ यू लुक एट एनी पर्टिकुलर फैसिलिटी दैट विल बी गोइंग टू डेवलप एंड प्रोड्यूस दिस कोरोना वैक्सीन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्टिकुलर फैसिलिटी टू रीच दिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ डोसेस इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. हेंस दे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स जैसे कि वो अलग अलग फैसिलिटीज को अपने अंडर ले रहे या जॉइंट वेंचर कर रहे हैं या सम ऑफ द इंस्टीट्यूट लाइक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग द वैक्सीन सो दैट वेन एवर द ट्रायल विल बी सक्सीडेड एंड रेगुलेशन विल बी नीडेड दे विल ऑलरेडी हैव अ चंक ऑफ मेड वैक्सीन्स विद देम सो दे कैन ईजिली डिस्ट्रीब्यूट इट. लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने में भी या डिलीवरी मैकेनिज्म डेवलप करने में भी देर आर गोइंग टू बी सम इश्यूज. जैसे कि इवन इफ यू डू डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट वेंचर और एनीथिंग यू कैन नॉट मेक 700 crore plus वैक्सीन इन फ्यू डेज सो इट इज गोइंग टू टेक टाइम देर इज नॉट अबाउट इट. सो वेन यू विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरिंग हु विल गेट इट फर्स्ट दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू. और उसको हम लोगों ने ऑलरेडी डेवलप डिस्कस किया है कि उसके लिए ऑलरेडी एक कमिटी बैठा है इंडिया की तरफ से इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से एंड दे आर डेवलपिंग स्ट्रैटेजी भैया कैसे कर सकते हो. बट दिस आर्टिकल इज ऑल्सो सेइंग कि इंडियन लेवल का स्ट्रैटेजी दैट इज गुड फॉर इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू बट ईज यू नीड टू हैव अ पॉलिसी और प्रायोरिटी लिस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू. तो उसमें आप WHO की हेल्प ले सकते हो विच हैज़ ऑलरेडी ट्राइड टू डन इट ड्यूरिंग द H1N1 पैंडेमिक इन अबाउट 10 years ago. या गावी की भी आप हेल्प ले सकते हो इन सच टाइप ऑफ केसेस. दिस विल ऑल्सो हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरिंग ऑफ द वैक्सीन. सो गावी क्या है आप थोड़ा सा देख के मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. सो ये करने के बाद भी देर इज गोइंग टू बी एन अनदर इशू कि दोज हु आर हैव जनरेटेड हर्ड इम्यूनिटी और दोज हु गॉट एन इन्फेक्शन उनको देना चाहिए या और शुड बी वेट फॉर हर्ड इम्यूनिटी इफ यू गिविंग टू द सम पीपल ऑफ द सोसाइटी क्या हर्ड इम्यूनिटी अपने आप जनरेट होगा. दिस विल बी द डिफरेंट इशूज दैट नीड टू बी डिस्कस टैकल एंड नीड टू बी फॉर्म्ड इन टू अ पॉलिसी इवन बिफोर द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट और एक्चुअल वैक्सीन कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन टूडेज करंट अफेयर्स डिकोडेड सेशन. Myself Shivaji Kale takes your leave now. Thank you. Subscribe to Shivaji Kale Current Affairs YouTube channel and hit the bell icon to get the latest updates.